सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह उठ के बैठ गया हूँ। मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी ना, थोड़ा मैं लो फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, कुछ ऐसी शूट कर लूँगी। कुछ पता तो नहीं है क्या कंटेंट मिलेगा क्या नहीं, बट हाँ ऐसे फ़ोन उठा के शूट कर रही हूँ कि आज कुछ बना ही लेते हैं, है ना। वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें कोई ब्लॉग नहीं मिला है। सुबह सुबह उठ के मेरी मम्मी का लेक्चर सुनना हो ना आपको, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको अपनी मम्मी का नंबर दूंगी और सुबह सुबह उठ के मेरी मम्मी का लेक्चर सुनो। अभी मम्मी को पता है, अभी मैं मम्मी से गुस्सा थी। मैं जब फोन पे शूट कर रही हूँ और किसी का फोन बजे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी सुशीला आंटी का फोन आ रहा है, बात कर लो। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी कि मैं भूल गई अब। हाँ, ये बोलती थी कि अभी तो मैं मम्मी से नाराज थी, मतलब अभी नहीं, दो तीन दिन पहले मम्मी ने ऐसा कुछ काम कर दिया था कि मैं मम्मी से नाराज थी। मम्मी को पता ही नहीं कि मैं मम्मी से गुस्सा हूँ। ये ऐसे ऐसी महाशय देखी है कि मम्मी को पता ही नहीं कि मैं मम्मी से गुस्सा हूँ। फालतू में इसलिए मेरे से सोच समझ के बात किया की थी, ठीक है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बनाए चावल जो भाई फ्राई करके खाता है। सो अब आपको पता ही है मेरा सुबह उठ के क्या रूटीन होता है, फेस करनी बात में। अब मैं जाऊंगी ऑफिस, और ऑफिस से फिर घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। मेरी जिंदगी में यही रह गया, सो मैं यही करती हूँ। ये प्राणी सुबह सुबह उठ के चाय, मम्मी ने कहा सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पीते तो क्या पीते हैं। और मम्मी, नया सूट कैसा लग रहा है जो मैं लेकर आई हूँ? अरे तुम नंगे ही इतने सुंदर लगते हो, हम क्या करें, कैसे शर्म आएगा। बस अब ज्यादा नहीं दिखाते, चल हमने अभी किसी को क्रिटिसाइज किया है, बताएंगे नहीं किसका। हम तीनों चुगलीबाजी भी करते हैं ना, मैं, मेरा भाई और हम तीनों मिलकर चुगलीबाजी भी करते हैं। सो अब हम जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। और मेरी माँ मेरे को सुना रही कि तेरी वजह से लेट हुए हैं। लेट उठती है फिर लेट तैयार होती है। मैंने सारा काम कर लिया, ये सूरी खुद तो लेट उठते हैं, मम्मी का नाम लगा दिया। कुत्ती कभी नहीं मुझे कह रही है, किसी को धोखा नहीं दिया, अभी कोई धोखा दिया ना। हाँ, तो भी आपके लिए बारिश का मौसम होगा, बारिश आ जाएगी। मुझे उसको चावल भी तो देते टेस्ट। हाई प्रोटीन एंड कार्ब्स, हाई प्रोटीन एंड कार्ब्स, ये जिम वाले बच्चों के लिए। मैं ले जा रही हूँ, मम्मी ले जा रही है कूड़ा। बस एक कमी हो रहा है, मम्मी ये बोल दो कबाड़ी वाले बोल दो मम्मी। ऑफिस में आते ही और ऑफिस की सफाई तो बनती है ना, तो जहाँ तुम काम कर रहे हो उस चीज को तुम्हें साफ रखना चाहिए। और सो गाइस, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिस है वो किस चीज का लेबर टाट है, बट अभी न्यूली एक डेढ़ महीना हुआ है मेरी मम्मा ने यहाँ पे मतलब कि दूसरा ऑफिस खोला है, जिसमें कि फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है, फ्री में सिलाई सिखाई जाती है और फ्री में ही पार्लर का कोर्स कराया जाता है। मतलब रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो 200 रुपये होती है, बाकी जो भी आगे का कोर्स होता है वो फ्री में होता है। सो ये इनिशियल एक मेरी मम्मा ने लिया है कि जो भी यहाँ पे मतलब ये जो एरिया है ना, थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़ा गरीब टाइप का है। सो इसलिए यहाँ पे इसलिए खोला है क्योंकि ताकि बच्चों को भी वो हो, और जो मुझे काफ़ी पसंद है कि जो बच्चे मतलब कि एबल नहीं होते हैं पढ़ने के लिए या नहीं फीस दे पाते हैं, तो वो फ्री में पढ़ लेंगे। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं, बाकी वो फिर लाइफ टाइम तक जब तक उन्हें पढ़ाना हो अपने बच्चों को, तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं। सो ये एक इनिशिएट लिया है, कुछ और भी मेम्बर्स इसमें जुड़े हुए हैं मम्मा के साथ, बट हाँ ये मुझे प्राउड फील होता है अपनी मम्मा पर कि मेरी मम्मा ऐसे भी काम करती हैं, थोड़ी दयालु टाइप के यार मेरी मम्मी। हमें मेरी मम्मी को कभी कभार ये बताना पड़ता है, मम्मी इतनी दयालु बताओ, तो मैं दिखाती हूँ।
और यहाँ पर पार्लर की ट्रेनिंग हो रही थी, तो मेरी मम्मी पर ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और ये मैडम थी जो पार्लर सिखाती है, सारे बच्चे थे, पार्लर और सिलाई के दोनों के जो बैच थे वो एक साथ थे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मम्मी के ऊपर ही और यहाँ पे हमारे ऑफिस के साइड वाली दुकान में एक औरत ने और दो बच्चों ने मिलकर चोरी कर ली थी, 15,000 इन्होंने चोरी कर लिए थे, बट पकड़े गए। सो यहाँ पे पुलिस वुलिस को बुला रहे हैं और बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। आई डोंट बिलीव इट, ये माँ अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रही थी। मतलब इसकी मम्मी ने बोला था अपने बच्चों को कि चोरी करने के लिए, दैट्स व्हाई इन्होंने चोरी करी, बट पकड़े गए। और ये कलेक्टिव मीटिंग हो रही थी जो कि हमारे लेबर ऑफिस में, मतलब हमारे ऑफिस में हर मंथ में एक बार या दो बार ज़रूर होती है। सारी मीटिंग डन हो गई, अब जा रहे हैं घर। सर आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। बताओ आज की मीटिंग कैसी गई? बहुत बढ़िया रही। अब यहाँ मैं खाटू श्याम लेके जाएंगे आपका ना। लेकिन मैं आपके व्लॉग में आने से पहले आपका स्वागत करता हूँ। और आप जो मेहनत से व्लॉग बना रही है, अपना ये यूट्यूब बना रही है और लोगों को अपने बारे में अपनी जानकारी लेती हो, सामाजिक काम करके दिन भर, उसके साथ में तुम्हारे अंदर खूबी मैंने देखी कि ये बिटिया पढ़ने में भी है, पढ़ती भी है, काम भी करती है, घर का भी देखती है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर सामाजिक काम भी करती है, मजदूरों की गरीबों के बच्चों को पढ़ाती भी नहीं है। एक्टिविटी मेरे को आज देखने को मिली छाया के अंदर, ये बच्चों को भी पढ़ाती है, जबकि मेरे को नहीं लगता कि आजकल का बच्चा इतना एक्टिव होता है। आजकल के बच्चे हुए इतनी कहाँ से खास नहीं देखी वो मिली, लेकिन छाया तुम्हारे अंदर देखा, उसके लिए मैं ओल्डा पे धन्यवाद करता हूँ, आपका सलूट करता हूँ आपको। और मेरे को आप लोग, मैंने अंकल को है ना 1,000 रुपए दिए पढ़ने के, भाई मैंने कुछ नहीं बोला, अंकल मेरी तारीफ इतनी बरस बरस के कर रहे हैं। सही आ रहा है ना मेरा, वो सही आ रहा है ना? नहीं 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 ये मैं गाय में पेट नहीं है, मैंने देखा है क्योंकि मैं ऑफिस में जब आता हूँ, जब आता हूँ तो मैं इस बिटिया को काम करते देखता हूँ। अच्छा खाली टाइम पे बच्चों को पढ़ा रही है, ये बहुत अच्छी खासियत है, और उन बच्चों को पढ़ा रही है जिनके माँ बाप के पास आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, जो सुबह और शाम अपना एक खाने का व्यवस्था भी सोचने में मजबूर होते हैं कि हम क्या करें, उन बच्चों को पढ़ा रही है। मेरी कितनी तारीफ हो रही है, मैं पढ़ जाऊंगी बस सरवा ले। चलो अब मीटिंग डन हो गई, अब हम जा रहे हैं घर। और कुछ खिलाया नहीं आपने मेरे को, ना मेरा डब्बा दिया आपने। अभी सर मेरे को पिज्जा खिलाएंगे तो उसके लिए बैठी हूँ मैं। मैंने तो बोला था इससे अच्छा थोड़ी पिज्जा करवा, तूने मंगाया नहीं होना, तू मंगा करना, मंगा मेरे मिला तो इस तो नहीं, मैं अभी मंगा रही हूँ, रुको आप मंगाओ, आपको आपसे बड़े के नहीं। और पापा आज मुझे राज मंदिर ले जाएंगे क्योंकि आज मुझे सामान भी लाना है राज मंदिर से। हम निकल रहे हैं हम घर के लिए, उससे पहले मैं राज मंदिर होके जाऊंगी क्योंकि मुझे भैया के लिए सामान लेना है। ₹1,600 का पेटीएम आ गया, मेरा ये देख रहे हो, बहुत कैड़ा खर्चा करवा दिया मैंने अपनी मम्मी का, घर जाके मम्मी मेरे को है ना सूटेंगी। नहीं भाई, मेरी मम्मा छोटी ये सब खिलाती रहती है और ये सब मैं खाती भी रहती हूँ। अभी बताती हूँ, हाँ तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ इसलिए मैं इतना सारा अब आड़ का बाड़ खाती रह रही हूँ और मेरी मम्मी दिलाती रहती है मुझे। अभी पता है पापा मुझे पॉपकॉर्न के पैकेट थे, मम्मी ने कहा है इतने बड़े बड़े क्या, मैंने मम्मा खा के देखो इतना मस्त लगता है। ओल्ड हो गई ना मम्मी, ऐसी चीज़ें खाती नहीं मैं तो बहुत, वो तो शुक्र करो मेरा बस चला कि मैंने कमी लिया, नहीं तो मैं भर देती बहुत सारी चीजें फालतू फालतू वाली। आपको कितने का खर्चा करवा दिया? 165 का। 165 का, 165 का तो पॉपकॉर्न का पैकेट ही आया। मुझे भी नहीं पता आज क्या है, आज मैं जाए
गिफ्ट लाया हूं। इसको कितनी जल्दी वो चाहिए। मैं देख भाई ब्रदर डे पे अपने भाई के लिए गिफ्ट लाई हूँ। ऐसे तो मेरा डेली ब्रदर्स डे बनता रहता है। हैप्पी ब्रदर्स डे भैया, हैप्पी ब्रदर्स डे। मेरा चॉकलेट छुपा ली इसने। कितना गंदा है रे तू। ये सब मेरा। वैसे मुझे पता नहीं था ब्रदर्स डे है, तुझे पता था? शर्मा है मेरा भाई, बेचारा शर्मा है, थोड़ा शर्मा करू है ना मेरा भैया, इसलिए। तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो लोगों के स्टेटस देखे तब मुझे पता चला वो आज ब्रदर्स डे भी है। सो आज ऐसे ही मेरा प्लान था राज मंदिर जाने का, क्योंकि मेरे खाने पीने का सामान जो है खत्म हो चुका था। चुटकुन चुटकुन यार, मैं कितने कमाल का गो बनाती हूँ, कहते हैं कोल्ड कॉफी भाई। क्या बारिश आ रही है, बारिश के मौसम में ठंडे ठंडे बारिश देखो ना, ओ जाके हट नाचो तब पता चलेगी बारिश आ रही है ना रही। क्या होगा, मम्मी है इंटेलिजेंट है मम्मी, अब मम्मी ने छत जाके साफ कर दिया, मम्मी अपनी बड़ाई करती रहेंगी। बस नहीं वो डाल कैसे है। हाँ। इधर इधर भैया यार तो बहुत बड़ा है तो इधर। हाँ ऐसे तो भैया यार बहुत बड़ा है। मैं ये बोल रही थी क्या ना, एक दिन यार एक दिन है ना मैं भैया को चैलेंज दूंगी कि ये ब्लॉग बनाएगा, देखते ये क्या ब्लॉग शूट करेगा। सो ये मैं चैलेंज भैया को दूंगी। हट रे सामने से, लाइट नहीं आ रही। तो मैं भैया को चैलेंज दूंगी, आई होप भैया कर सके। तो एक दिन पूरा व्लॉग यही शूट करेगा, कैसे करेगा, कैसे कंटेंट निकालेगा, जो भी है वो ये शूट करेगा। हाँ मैं पीती हूँ ना बीड़ी, मैं नशेड़ी हूँ ना, छाए ले गई। ये क्या होता है सूर सा यार, कितना बदतमीज है भाई तू। सो अब मम्मा बना रही है खाना, मैं तो नहीं खाऊंगी अभी खाना, मेरे तो मन कर रहा है ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है मैगी बनाऊं। देखती हूँ मैं मंगवाती हूँ, गोपी को पटाती हूँ, गोपी से मंगवाऊंगी मैगी फिर, और मैगी बना के खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने अपनी सब, मैंने जो भी सीखा है अपनी मम्मी से सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा अपनी माँ से सीखा है। यार मम्मी कितना मारता है भैया है, मम्मी गलत से सीखो कैसे सीखो। गाइस तुम लोगों को पता होगा मेरी मम्मी कितनी मैगी खाती है, तो मैंने जो भी सीखा अपनी मम्मी से सीखा है। ये देखो सो अगर मेरी मम्मा मैगी खाती है तो मैं भी मैगी खाऊंगी। मम्मी तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, गरम गरम मैगी बनाओ मजा आता है। क्या माय फेवरेट थिंग दैट आई डू, तो गाइज मैं कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी और मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं ना व्लॉग बना लेती हूँ एंडिंग पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ, और हमेशा भूल जाती हूँ, अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो उस व्लॉग की एंडिंग मैं ही कर रही हूँ, और उसमें जो इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी ना, मतलब कि लोग आसपास के सब देखने आ गए थे, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था, पता नहीं मुझे क्यों मज़ा आ रहा था, बट मुझे हाँ मज़ा आ रहा था। सो बट वो पकड़ी गई, मेन बात ये है। और भाई कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मत दिया करो, उसकी मम्मी ने बोला था अपने बच्चों को कि ऐसे ऐसे चोरी करी हो, मतलब पूरी प्लानिंग से आए थे वो लोग, बट पकड़े गए ऐसे कैसे नहीं पकड़े जाएंगे, और इतनी भीड़ लगी थी। सो हाँ यही था पूरा व्लॉग, और अभी मैं कहीं घूमने भी जा रही हूँ तो उसका भी व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहो, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ कर लो यार, क्या सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कर लो ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।